भाइयों आज का मैच जो इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं आईपीएल 2024 का मैच नंबर 70 जो कि फिलहाल राजस्थान रॉयल्स वर्सेस कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच में 19 मई इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग 7:30 शाम टाइम में दोस्तों ये मुकाबला बारस परा क्रिकेट स्टेडियम जो कि गुवाहाटी के पिच पर खेला जाने वाला है। हालांकि दोस्तों इस मैच में हमारी ग्रांड लीग और स्मॉल लीग टीम का कॉम्बिनेशन के हिसाब से होना चाहिए जिससे कि अच्छी खासी रैंक फैंटेसी एप्लीकेशन पर ला सकें। ग्रांड लीग टीम में कैप्टन वाइस कैप्टन किसको करके चलना है और दोस्तों स्मॉल लीग की टीम हमारी क्या होनी चाहिए, ट्रम्प कार्ड खिलाड़ी यहाँ पे कौन से हो सकते हैं कोलकाता की तरफ से या राजस्थान की तरफ से, आपको सारी जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। हालांकि दोस्तों आपको पता है कि एक दो चेंज आपको दोनों टीम की तरफ से देखने को मिल जाएगा। हालांकि दोस्तों दोनों टीम क्वालिफाई कर गई हैं तो फिर कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको ये भी देखने को मिल सकता है कि कुछ नए प्लेयर दोनों टीम की तरफ से आपको खेलते हुए भी नजर आ सकते हैं। तो यार उनका रिकॉर्ड क्या स्टैट्स है सारी जानकारी आपको वीडियो में देखने को मिलने वाली। हालांकि फैंटेसी टीम भी आपको ग्रांड लीग की स्मॉल लीग की देखने को मिलने वाली, तो फिर और क्या करना है आपको वीडियो देखना है दोस्तों, ठीक है। वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दीजिए, चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए। हालांकि दोस्तों वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में लेकर के आए हुए एक ऐसा ऑफर जो कि फैंटेसी की दुनिया में आपने अभी तक देखा नहीं है। मतलब दोस्तों एक नहीं दो नहीं तीन नहीं पूरे के पूरे 5 मेगा कॉन्टेस्ट खेल सकते हो सिर्फ 1 रुपये। मतलब दोस्तों 5 टीम आप बना सकते हो वो भी मेगा कॉन्टेस्ट की, जहाँ पे फर्स्ट प्राइज मिनिमम 1 करोड़ का रहता है वो भी 1 रुपये में। दोस्तों कैसे ये आपको आगे बताने वाला हूँ, बस आपको वीडियो देखना है। हालांकि दोस्तों बात करेंगे सबसे पहले टेलीग्राम चैनल कैसे ज्वाइन करेंगे क्योंकि वहाँ पे लास्ट टाइम अपडेट फ्री टीम टॉस अपडेट सारी जानकारी आपको मिल जाती है कॉमेंट सेक्शन और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। लिंक मैंने टेलीग्राम चैनल का प्रोवाइड कर रखा है, इस प्रकार से देखेगा आपको क्लिक करिए दोस्तों और फाइनली आप लोग यहाँ पे आ जाइए। बात करेंगे बारस परा क्रिकेट स्टेडियम गुवाहाटी जो पिच रहने वाले दोस्तों, यहां पे टोटल आईपीएल के जो मुकाबले खेले गए 3, जिसमें कि जो टीम पहले बैटिंग करी उसने 2 विन करे, चेस करने वाली टीम ने दोस्तों 1 मैच विन किया। हालांकि स्कोरिंग पैटर्न 150 का स्कोर यहां पे एक बार बना है और 190 प्लस का स्कोर दोस्तों यहां पे जो है 2 बार बन चुका है, तो कहीं ना कहीं ये पिच बैटिंग के फेवर में जाएगी। हालांकि एवरेज जो है इस वेन्यू का आप मान सकते हैं कम से कम 170, क्योंकि दोस्तों अगर हम देखेंगे दोनों टीमें काफ़ी बढ़िया है। हालांकि राजस्थान रॉयल्स थोड़ी सी कमजोर है बट कहीं ना कहीं कोलकाता नाइट राइडर्स वो टीम अगर पहले बैटिंग 200 प्लस का स्कोर भी आपको एक्सेप्ट करना होगा, और अगर राजस्थान रॉयल्स पहले बैटिंग करे तो फिर भी दोस्तों कम से कम 170-180 तो मान के चलिए क्योंकि वहाँ पर जोस बटलर दोस्तों मौजूद नहीं है। बाकी दोस्तों आगे बढ़ेंगे और उससे पहले आपको बता दूँ ये पिच कहीं ना कहीं पेसर या स्पिनर किसके लिए बेस्ट हो सकती है, तो क्योंकि यहाँ पर पेसर बॉल्स को एडवांटेज ज़्यादा मिलता है स्पिनर को देखते हुए। हालांकि दोस्तों यहाँ पर स्पिनर भी विकेट निकालते हैं बट कहीं ना कहीं जो हाइस्ट विकेट निकालते हैं वो पेसर बॉल्स गेम में दोस्तों रहते हैं। रिसेंट फॉर्म की अगर हम बात करें जो इस वेन्यू पर मैचेस खेले गए के हिसाब से टीमें परफॉर्मेंस करी हैं कि हिसाब से यहाँ पे रन बने वो दोस्तों आप लोग देख लीजिए। देखिए यहाँ पे लास्ट मैच जो हुआ है आरआर और पीबीकेएस यानी कि राजस्थान रॉयल्स और पंजाब किंग्स के बीच में, जिसमें कि राजस्थान रॉयल्स 144 ही रन बना पाई थी। हालांकि पंजाब किंग्स यहाँ पे 145 बना करके इस मैच को जीत लिया था 19वें ओवर में। स्पिनर को 4 विकेट थी और दोस्तों पेसर को यहाँ पे 9 विकेट मिली थी। लेकिन एक मैच और देख लीजिए, राजस्थान रॉयल्स 199 का स्कोर, दिल्ली कैपिटल 142, जिसमें कि स्पिनर को 6 विकेट, हालांकि पेसर की बात करें 7 विकेट मिली थी। पंजाब फर्स्ट बैट करते दोस्तों 197 का स्कोर और यहाँ पे राजस्थान रॉयल्स 192 ही बना पाई थी। हालांकि यहाँ पे इस मैच में जो है पेसर को 8 विकेट मिल गई थी और जो स्पिनर को 2 विकेट मिली थी, तो पंजाब ऑलरेडी यहाँ पे राजस्थान को हरा चुकी थी और फिलहाल फिर से दोस्तों यहाँ पे पंजाब ने हराया। तो क्या इस मैच में फिर से मैं कहूँगा कि भाई राजस्थान रॉयल्स आपको थोड़ी सी फीकी देखने को मिल सकती है। हालांकि कैसे दोनों टीमें क्वालिफाई हैं बट उतना ज़्यादा यहाँ पे दोनों का अंतर देखने को नहीं मिलेगा कि यार कोई टीम हारेगी तो उसको ज़्यादा फर्क पड़ेगा, ऐसा नहीं होगा। हालांकि दोस्तों दोनों टीम की तरफ से आपको कुछ चेंजमेंट भी एक्सेप्ट करने चाहिए जो कि नए प्लेयर हो सकते हैं दोस्तों, ठीक है, नया बॉलर्स या बैट्समैन भी हो सकता है। बाकी बात करेंगे हेड टू हेड की, टोटल मुकाबले दोनों टीम बीच में अभी तक जो है 28 खेले गए हैं आईपीएल के, जिसमें कि दोस्तों केकेआर ने 14 जीते हैं और राजस्थान रॉयल्स ने भी 14 जीते हैं। दोनों टीमें बढ़िया हैं। हालांकि अब इस सीजन जो देख रहे थे परफॉर्मेंस तो उसमें क्या था कि दोनों टीमें काफी बढ़िया खेल रही थी और क्वालिफाई भी बढ़िया टाइम पर करी। हालांकि दोस्तों केकेआर टीम कहीं ना कहीं अभी भी फ्लिपचार्ट जाने के बाद भी कहीं ना कहीं मौजूद है और उस हिसाब से रन बना सकती है, बट दोस्तों कहीं ना कहीं राजस्थान रॉयल्स की बात करें तो सैंजू सैमसन अगर यहाँ पे देख रहे हैं कितना प्रेशर झेल रहे हैं, अगर वो आउट होते हैं जल्दी तो फिर दोस्तों कहने की यह टीम लड़खड़ा जाती है, ठीक है। रियान पराग भाई अपना फिर 110-120 के स्ट्राइक रेट से खेलते हैं और जयसवाल का दोस्तों कोई भरोसा किया नहीं जा सकता, उस हिसाब से कहने की हमें फैंटेसी टीम भी बना करके चलनी होगी अपनी। चलिए अब बात करते हैं कैसे आप जीत सकते हैं ग्रांड लीग एट जस्ट 1 रुपीज़। 19 मई को आईपीएल का मैच है राजस्थान और कोलकाता के बीच। मैच से पहले इसी वीडियो को कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के दोस्तों डाउनलोड कर लीजिए माई इलेवन सर्कल एप्लीकेशन को और टीम बनाइए। डाउनलोड करने के बाद दोस्तों रजिस्टर करिए, रजिस्टर करने की अगर आप 1 घंटे के अंदर मेगा कॉन्टेस्ट ज्वाइन करते हो तो आपकी एंट्री फीस होगी सिर्फ और सिर्फ 1 रुपये और आप दोस्तों ज्वाइन कर सकते हो 5 मेगा कॉन्टेस्ट सिर्फ और सिर्फ 1 रुपये। मतलब दोस्तों 5 टीम सिर्फ और सिर्फ 5 रुपये में, और दोस्तों आपको मिलेगा मौका ग्रांड लीग का फर्स्ट प्राइज जीतने का जो कि मिनिमम दोस्तों 1 करोड़ का रहने वाला है। हालांकि सोच सकते हो इसकी कितने बड़े बड़े प्राइजेस यहां पे आपको देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि दोस्तों यहां पे आप समझ सकते हैं फर्स्ट प्राइज मिनिमम 1 करोड़ का है
और जहाँ पे और भी बड़े बड़े प्राइजेस आपको टूर्नामेंट के हर मैच में देखने को मिल जाते हैं। साथ साथ दोस्तों यहाँ पे 20% एक्स्ट्रा कैश भी आपको मिलता है फर्स्ट डिपोजिट पर इस एप्लीकेशन पर। मान लीजिए आपने 200 डिपॉजिट किया तो आपको मिलेगा 240 रुपये, 500 किया तो 600 रुपये मिलेंगे, 1000 किया दोस्तों 1200 रुपये टोटल कैश माई 11 सर्कल अकाउंट पर आपको मिलेंगे। तो गाइस क्यों, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट डिपॉजिट पर आपको मिलेगा 20% एक्स्ट्रा कैश। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कितना पहली बार जब डिपॉजिट करेंगे इस एप्लीकेशन पर नए यूजर्स हैं तो उस कंडीशन में भाई कितना फायदा उठाना चाहते हैं। जाकर के दोस्तों यहां पर यूज करिएगा मेरा कूपन कोड LIFE20 एंड दोस्तों यहां पे 1500 का बोनस कैश भी आपको मिलने वाला है जो कि दोस्तों हर मैच में आप यूज कर सकते हो। तो फटाफट दोस्तों जाइए और डाउनलोड करिए, ज्वाइन करिए यहां पे मेगा कॉन्टेस्ट सिर्फ और सिर्फ 1 रुपये में। अगर आपके पास पैसे नहीं है 5 रुपये में दोस्तों आप 5 टीम बना सकते हैं जहां पे फर्स्ट प्राइज मिनिमम 1 करोड़ का आपको जीतने का मौका मिल रहा है दोस्तों, ठीक है। डिपॉजिट का भी फायदा उठाइए, 1500 का बोनस कैश भी आपको मिल रहा है, 110% जेन्युइन और दोस्तों ट्रस्टेड एप्लीकेशन है। मैंने दोस्तों अपनी टीम जो है 5 टीमें बना ली सिर्फ और सिर्फ 5 रुपये में। तो आप लोग भी फटाफट जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन से डाउनलोड करिए माय 11 सर्कल को और दोस्तों यहाँ पे टीम बनाइए। बढ़ते हैं गाइस आगे, बात करते हैं आज के मैच के प्रेडिक्शन के बारे में। राजस्थान रॉयल्स की अगर हम बात करें गाइस तो यहाँ पे जो ओपनिंग आपको देखने को मिलती है टॉम कैलर, कैडमोर और यहाँ पे जयसवाल के द्वारा। तीसरे नंबर के खिलाड़ी दोस्तों संजू सैमसन, फिर रियान पराग, ध्रुव जुरेल, रविचंद्र अश्विन, रोमन पवेल, यजुवेंद्र चहल, ट्रेंट बोल्ट, अवेश खान, संदीप शर्मा। हालांकि दोस्तों इस हिसाब से आपको पॉसिबल प्लेइंग 11 यानी कि लाइनअप देखने को मिला, सब्स्टिट्यूट वाला दोस्तों खिलाड़ी क्या रहेगा वो आपको आगे बताऊंगा। हालांकि उससे पहले बॉलिंग ऑर्डर देख लीजिए, स्टार्टिंग में आपको ट्रेंट बोल्ट, अवेश खान, संदीप शर्मा बॉलिंग करते हुए दिखाई देते हैं, फिर दोस्तों आपको डेथ में ट्रेंट बोल्ट, संदीप शर्मा, अवेश खान। हालांकि दोस्तों बात करेंगे यहाँ पे किस किस खिलाड़ी को अपने फैंटेसी टीम में रखना होगा, राजस्थान रॉयल्स क्लब से कौन सा खिलाड़ी यहाँ पे चल सकता है, अच्छा परफॉर्मेंस कर सकता है, पॉइंट ज्यादा दे सकता है, या दोस्तों कौन सा बड़ा खिलाड़ी यहाँ पे फ्लॉप हो सकता है। कैडमोर की बात करेंगे तो पहला आईपीएल मैच आप देखा 18 रन की पारी, हालांकि उससे पहले अगर आप देखेंगे 8 से 10 मैच तो उतनी लंबी पारी नहीं है और दोस्तों ये भी पारी कुछ खास नहीं थी, ठीक है। स्ट्राइक रेट बहुत डाउन था, अगेन कोई मैच नहीं, वेन्यू पे दोस्तों इन्होंने मैच किया था। हालांकि स्मॉल लीग के लिए बेस्ट पिक हो सकता है, सिलेक्शन कम है, हालांकि जीएल के दोस्तों रखना बहुत मुश्किल वाला काम होगा और बहुत ज्यादा रिस्क खिलाड़ी होगा दोस्तों। जयसवाल की बात करेंगे तो 4-24-4 हिसाब से आउट ऑफ फॉर्म खिलाड़ी 2-3 मैचेस में दिखे, हालांकि यहाँ पे 68-24, यहाँ पे 104-19-39, अगेन दोस्तों 4 मैच 139 रन जिसमें कि 34 का औसत है, मतलब कि राजस्थान सॉरी कोलकाता के अगेंस्ट में वेन्यू पे 3 मैच 75 रन है, 25 का औसत है। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखेंगे तो वेन्यू पे उतना ज्यादा कंसिस्टेंट देखने को नहीं मिला क्योंकि लास्ट मैच ये फ्लॉप हो गए थे इसी वेन्यू पर। तो भाई सीबीसी का भरोसा नहीं करना, 2-3 ग्रांड लीग की टीम के साथ चलते तो मैं कहूंगा कि एक आधा टीम से आप ड्रॉप कर दीजिएगा। हालांकि दोस्तों मुझे जहाँ तक ये भी लग रहा है कि ये इस मैच में खेलने भी नहीं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इनको रेस्ट भी दिया जा सकता है दोस्तों, इसलिए लगातार अपडेट के लिए आपको टेलीग्राम चैनल पर आना होगा। संजू सैमसन की बात कर लेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे इनका रिसेंट फॉर्म 18-15-86 हिसाब से है एंड अच्छा खिलाड़ी दोस्तों, बढ़िया खेल रहा है, लंबी लंबी पारी यहाँ पे, बट यहाँ पे इस वेनी पर 18 रन की पारी आपने देखा, अगेन कोलकाता के 20 मैच 529 रन, 26 का औसत देंगे, अर्धशतक भी दोस्तों वेनी पे 3 मैच 60 रन, 20 का औसत, इस वेनी पर बल्ला नहीं चला दोस्तों, ठीक है। संजू सैमसन को तो फिर से सीबीसी नहीं करना आपको, ओनली टीम में रखना दोस्तों, ठीक है। बाकी बात करेंगे रियान पराग की तो यहाँ पे 48 और यहाँ पे 47-27+0-77, यहाँ पे 14-34, अगेन दोस्तों बात करेंगे 7 मैच में 106 रन है और 15 का औसत है वेनी पे 3 मैच 75 रन दोस्तों, 25 का। हालांकि रियान पराग आपको देखने को मिला कंसिस्टेंट खिलाड़ी है तो टीम में रखकर चलना है, वाइस कैप्टन करना चाहे तो कर सकते हैं, या दोस्तों संजू सैमसन को भी अगर आप टीम में रखते हैं तो वाइस कैप्टन के तौर पर ही चलेगा, कैप्टन तो बिल्कुल रिस्की रहने वाला दोस्तों। हालांकि अगर आप वाइस कैप्टन करते हैं तो किस लिए, क्योंकि केकेआर के केस में भाई 3 अर्धशतक भी इस खिलाड़ी के हैं इसलिए दोस्तों। बाकी आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे यहाँ पे डोमेन फ्लोरिया की जो कि दोस्तों कुछ खास दिखने नहीं, राइट हैंड बैट्समैन है, 7 रन ही बनाए उन्होंने, एंड टीम में रखने की बात करेंगे तो मैं ड्रॉप करके चलूंगा ध्रुव जुरेल, जहां तक दोस्तों आप इसको ट्रम्प कार्ड बना सकते हैं क्योंकि भाई बैटिंग थोड़ा सा ऊपर आ जाएगी, जयसवाल खेल नहीं रहे तो बैटिंग के चांस जल्दी आ जाएंगे दोस्तों, ठीक है। ट्रम्प कार्ड के तौर पर रखना क्यों बेस्ट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे 4 मैचेस में अगर आप देखेंगे 28 और यहाँ पे 52, तो कहीं ना कहीं आपके 30-40+ के पॉइंट के जुगाड़ कर सकते हैं फैंटेसी एप्लीकेशन पर। तो टीम में अगर आप रखना चाहते हैं तो इस खिलाड़ी को ट्राई कर लीजिएगा, जब जयसवाल को जिस टीम में दोस्तों ड्रॉप करने का हम रिस्क लेंगे। बाकी अश्विन की बात करेंगे तो आप देख रहे हैं कंसिस्टेंट है, हालांकि बैटिंग भी आ जाती है, लास्ट मैच में विकेट नहीं मिली तो क्या हुआ, 28 रन बनाए और फिलहाल दोस्तों कहीं ना कहीं 30-40 पॉइंट देकर गए, तो भाई टीम में तो रखना होगा क्योंकि भाई जयसवाल नहीं खेल रहे तो टॉप ऑर्डर उतना खास है नहीं, बैटिंग तो आ जाएगा सारी से, तो बिल्कुल भाई यहाँ पे टीम, क्योंकि कैडमोर का बल्ला इंशाल्लाह उतना खास नहीं है दोस्तों, फेरेरिया हो गए वो भी ठीक ठाक नहीं है दोस्तों, जयसवाल भी आउट ऑफ फॉर्म दिख रहे हैं, तो यहां तक बैटिंग आना दोस्तों बहुत आसानी वाला काम, रोमिल पवेल थोड़ा सा नीचे बैटिंग करने आते हैं आप देख ही रहे, तो उस कंडीशन में कहीं ना कहीं पवेल को तो हम ड्रॉप करके चलने ही वाले हैं। बाकी दोस्तों यहां पे यजुवेंद्र चहल की बात करें तो भाई अच्छा बॉलर है, विकेट निकाली इसने 2 विकेट, अगेन केकेआर के 17 मैच 26 विकेट, वेन्यू पे 3 में 6 विकेट, बढ़िया पिक होगा, टीम में रख लीजिएगा। ट्रेंट बोल्ट की बात करेंगे लास्ट मैच में विकेट है, हालांकि अगेन कोलकाता 10 में 14 विकेट, वेन्यू पे 3 में 4, तो विकेट के चांस रहेंगे। बाकी 2 ग्रैंड लीग टीम बनाएंगे, 3 टीम बनाएंगे तो भाई 1 टीम में रखूंगा, 2 से ड्रॉप करूंगा, 2 ग्रैंड लीग की टीम बना सकते तो
फिर कहीं ना कहीं एक टीम में ही आपको रखना होगा। एक टीम बना दे तो दोस्तों ड्रॉप करने का रिस्क भी आप ले सकते हैं। आवेस खान कहीं कहीं अच्छी पिक है दोस्तों, ठीक है। अगेन देखिए, साथ में 13 विकेट केकेआर के, बेनी पे 1 में 2 विकेट। पहला मैच इस ग्राउंड पे खेला, विकेट निकाली, अच्छा खिलाड़ी होगा, टीम में आप जीएल के जरूर रखिएगा। संदीप शर्मा लगातार फ्लॉप है, अगेन 10 में 5, बेनी पे दोस्तों 2 में 1, तो कहेंगे फिर से रिस्क होंगे। तो भाई रिस्क नहीं लेकर के चलना हमें इस मैच में। बाकी बेंच की बात करेंगे तो आप यहाँ पे देखिए, बेंच आपको मिलने वाले केशव महाराज, नवदीप सैनी और यहाँ पे कुलदीप सैन। कुलदीप सैन दोस्तों अगर खेलते हैं यहाँ पे, किसी और को मौका मिलता है तो मैं यही कहूँगा कि कहीं ना कहीं यहाँ पे दोस्तों ये तीनों ही बढ़िया पिक होंगे, तीनों अच्छे बॉलर्स हैं, ठीक है दोस्तों। बाकी आगे बढ़ने की बात करेंगे, यहाँ पे कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से क्या चेंजमेंट देखने को मिल सकता है, आपको पता करेंगे। फ्लिप स्टार्ट जो है वो फिलहाल चले गए हैं अपने इंग्लैंड अगेन पाकिस्तान T20 सीरीज खेलने, तो उस कंडीशन में यहाँ पे आपको गुरबाज खेलते हुए दिखाई देंगे। सुनील के साथ दोस्तों ओपनिंग करेंगे, फिर वेंकटेश अय्यर, सरस अय्यर, नीतीश राणा, रिंकू सिंह, अंद्रसन जो कि बॉलिंग बैटिंग दोनों करते हैं, रमनदीप सिंह, मिथेश टाक भाई ये पूरे के पूरे कंफर्म बॉलर्स हैं, वरुण चक्रवर्ती और यहाँ पे हर्षित राणा दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पे वैभव अरोरा जो कि आपको सब्स्टिट्यूट के अकॉर्डिंग बॉलिंग करते हुए दोस्तों दिखाई देते हैं। स्टार्टिंग में मिथेश टाक, वैभव अरोरा, हर्षित राणा, डेथ में मिथेश टाक, हर्षित राणा और दोस्तों अंद्रसन, ठीक है। कहने के सुनील नारायण भी पावर प्ले में बॉलिंग कराने आ जाते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे बात करेंगे कोलकाता की तरफ से कौन कौन से खिलाड़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले, किसको ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हैं। देखिए दोस्तों गुरबाज, क्योंकि अगर हम देखेंगे 3 मैच खेल करके आ रहे हैं, वो भी आयरलैंड के गेस्ट के साथ T20 के दोस्तों मैच, ठीक है, उसमें भी आउट ऑफ फॉर्म दिखे तो ज़्यादा भरोसा करना ठीक नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों 5 से 6 मैचेस अगर आप इनके लास्ट के देखते हैं, 8 से 10 मैचेस, तो उसमें हाई स्पारी क्या सीखे। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं मतलब आउट ऑफ फॉर्म खिलाड़ी। अगेन अगर हम बात करें राजस्थान, 1 मैच 18 रन, वे दोस्तों मैच इन्होंने खेला नहीं, हालांकि इस सीजन का, बाकी KKR के खिलाड़ी तो पिछला सीजन आपको पता है दोस्तों, ठीक है। तो अगर हम टीम रखने की बात करें तो भाई मैं यही कहूँगा दोस्तों, ज़्यादा भरोसा करने लायक खिलाड़ी नहीं होगा। और भाई पहला मैच करेगा तो जो ज़्यादातर लोग इसको टीम में रखेंगे तो रखना भी चाहिए, तो स्मॉल लीग में, ग्रैंड लीग में दोस्तों रिस्की रहने वाले, ड्रॉप कर दीजिए आप। सुनील नारायण की बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए 1 विकेट यहाँ पे 81+1, 8+2, बढ़िया सेफ पिक है कैप्टन वाइस कैप्टन की। हालांकि राजस्थान रॉयल्स के अगेंस्ट में 19 मैच में 257 रन है, 14 विकेटें, वेन्यू पर दोस्तों करेंगे अगर हम देखेंगे तो मैच नहीं है इसका, ठीक है। तो मैच फिलहाल KKR खेल नहीं इस ग्राउंड पे, तो कहीं ना कहीं मैं यही कहूंगा सुनील नारायण देखिए सेफ है कैप्टन वाइस कैप्टन, यार ऐसा रिस्क नहीं लीजिएगा कि यार ड्रॉप कर दीजिएगा या तो CBC ना करेगा, भाई बैटिंग और बॉलिंग दोनों के चांस है। और हालांकि यहाँ पे आपने देखा है कि कहीं ना कहीं स्पिनर को चहल को भी विकेट मिली तो भाई चांस थोड़े बहुत यहाँ पे बन सकते हैं। और गुरबाज ने भी दोस्तों वेन्यू पे खेला नहीं, तो गुरबाज को मैं जेल से ड्रॉप करके चलने वाला हूँ। वेंकटेश की बात करेंगे तो कहेंगे 3rd नंबर के खिलाड़ी हैं, हालांकि अच्छी बैटिंग, जहाँ पे मैच फंसता है ये बंदा बैटिंग करता है, वेन्यू पे मैच नहीं, हालांकि गेंद 4 मैच में, और फिलहाल दोस्तों जो है 27 का औसत है, 108 रन बनाए हैं, 1 अर्धशतक भी है, तो टीम में रखने लायक खिलाड़ी होगा। सिरेश अय्यर की बात करेंगे 7, 23, 6, 33, 28, 50 हिसाब से बैटिंग है, हालांकि गेंद अच्छा वाला चलता है, 12 में 367 रन, 30 का औसत है और फिलहाल 3 अर्धशतक है गाइस। तो कहीं ना कहीं 2 में किसी एक को रखने की कोशिश करेंगे अपने फैंटेसी टीम में, दोनों को साथ में मत रखेगा दोस्तों, ठीक है। अगर आप दोनों को रखते हैं तो फिर क्या कंडीशन हो सकती है आगे हमारी टीम की, वो मैं आपको आगे बताने वाला दोस्तों। नीतीश राणा कहने के अगर हम देखेंगे तो पहला मैच इनका भी इस सीजन वाला देखेंगे, 33 रन की पारी, अगेन 18 का औसत है, तो गाइस कहने के नीतीश राणा को आप ड्रॉप करते हैं, ठीक है, तो फिर कहने के सरस अय्यर और वेंकटेश अय्यर दोनों को आप पिक करके चल सकते हैं। रिंकू सिंह थोड़े से चांसेस कम होंगे, कोई नीचे बैटिंग है दोस्तों, ठीक है। बाकी अगर हम बात करें यहाँ पे अंद्रसन, तो भाई टीम में रखकर चलना होगा क्योंकि बॉलिंग और बैटिंग दोनों है, और आप देख रहे हैं लगातार परफॉर्मेंस भी अच्छा है, 24+2, 12+2, 7+2, बॉलिंग बैटिंग दोनों करेंगे। अगर कुछ चेंजमेंट नहीं होता गाइस तो अगेन 15 मैच में थोड़ा सा विकेट कम है राजस्थान के, 7 विकेटें और फिलहाल 1 भी अर्धशतक नहीं है दोस्तों, ठीक है। टीम में बट रखिएगा, वाइस कैप्टन रिसेंट फॉर्म के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। रमनदीप सिंह बैटिंग नीचे है तो चांसेस दोस्तों थोड़े से हमारे कम टीम में कम रहने वाले हैं। हर्षित राणा अच्छा बॉलर है दोस्तों, आप लगातार देख रहे हैं कंसिस्टेंट बॉलिंग है, अगेन 2 में 2 विकेटें, बढ़िया बॉलिंग करा था, टीम में रख लीजिएगा। वरुण चक्रवर्ती भाई टीम में रखना है, और अगेन 6 में 7 विकेटें भाई टीम में तो रखना है, क्योंकि लगातार अच्छी परफॉर्मेंस है, दोनों खिलाड़ी भाई कंफर्म हमें फैंटेसी टीम के खिलाड़ी रहने वाले हैं। वैभव अरोरा की बात करते हैं गाइस तो रिसेंट परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, एंड मिचेल स्टार्क दोनों में से कई एक रखेगा, जहां तक मुझे लग रहा है मिचेल स्टार्क फायदा उठा सकते हैं सामने वाली टीम के बैट्समैन का, जो कि किसी आपसे जैसे कि आपको मिले जैसे कि दोस्तों कैडमोर एंड फेरोरिया, और दोस्तों जो जैसे कि छोटे प्लेयर मिल रहे हैं वहाँ पे बैटिंग लाइनअप से, तो उस कंडीशन में कहीं कहीं विकेट निकाल सकते हैं दोस्तों, ठीक है। बाकी आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे बेंच की, तो यहाँ पे आप मिले जो कि दोस्तों सुयास शर्मा, रदरफोर्ड एंड यहाँ पे चेतन सकरिया, ठीक है। बाकी दोस्तों यहाँ पे की प्लेयर्स देख लीजिए CBC का ऑप्शन जो है, और यहाँ पे ट्रम्प प्लेयर जो रहने वाले हैं जिनको लोग कम ट्राई करेंगे, अगर आप नीतीश राणा के साथ जाना चाहते हैं ट्रम्प कार्ड के तौर पे तो रख सकते हैं। बाकी दोस्तों यहाँ पे पिलर बैटल देख लीजिए, गुरबाज को यहाँ पे फिलहाल बोल्ट ने 1 बार आउट किया है, वेंकटेश को यहाँ पे चहल ने 2 बार आउट किया है और बोल्ट ने 1 बार आउट किया है, सिरस अय्यर को चहल ने 2 बार आउट किया, बोल्ट ने 1 बार आउट किया, अंद्रसल को अवेश खान ने 2 बार आउट किया है, अश्विन ने भी 1 बार आउट किया, बोल्ट ने दोस्तों 1 बार आउट किया है। अब बात करें राजस्थान रॉयल्स की तरफ से,
जुरेल को यहाँ पे सुनील रैना ने एक बार आउट किया, जयसवाल ने दोस्तों अगर हम बात करें तो चेतन सकरिया के केस में 2 बारी विकेट अपनी गवाई है, वैभव अरोड़ा ने भी एक बार आउट किया है, रियान पराग को चेतन सकरिया ने एक बार आउट किया और सुनील रैना दोस्तों एक बार आउट कर चुके हैं। हालांकि संदीप सैमसन जो कि बड़े खिलाड़ी सिलेक्शन हाई रहने वाला है, हर्षित राणा को एक बार आउट कर चुके हैं दोस्तों, ठीक है। बाकी टीम की बात करें तो हमारी फैंटेसी टीम अभी के लिए दोस्तों जो रहने वाले हिसाब से, हालांकि अगर आप यहाँ पर नीतीश राणा को ड्रॉप करना चाहते हैं तो कर दीजिए, फिर आपके पास सैयद का ऑप्शन होगा रिप्लेस करने का। गुरबाज के साथ साथ दोस्तों थोड़ा सा हम कम रखेंगे जीएल में, ठीक है, आउट ऑफ फॉर्म खिलाड़ी हैं जो कि अभी रिसेंट कुछ खास करके आ नहीं रहे, बल्ला चल नहीं रहा तो उस कंडीशन में। हालांकि यहाँ पे वेंकटेश अय्यर, जयसवाल एंड फिर यहाँ पे सुनील रैना कैप्टन, रियान पराग वाइस कैप्टन, अंदर रसल अश्विन को ट्राई किया, बैटिंग भी आ जाएगी, और वरुण चक्रवर्ती, अर्जुन चहल और यहाँ पे आवेश खान दोस्तों, ठीक है। बाकी अगर हम बात करें हर्षित राणा की तो वैसे देखिए हर्षित राणा कहीं ना कहीं हमारी टीम में कब होगा, जब दोस्तों यहाँ पे फिर हम कुछ बड़ा रिस्क लें, जैसे दोस्तों अश्विन को ड्रॉप करने का हाई सिलेक्शन है या जयसवाल को ड्रॉप करने का रिस्क लें, जब यहाँ पे हम रखेंगे दोस्तों किसको, फिर रखेंगे आप हर्षित राणा को दोस्तों, ठीक है। जहाँ तक मैं जयसवाल को ड्रॉप करना चाहूँगा क्योंकि आउट ऑफ फॉर्म चल रहा है दोस्तों वो खिलाड़ी, और हर्षित राणा स्टार्टिंग में आएगा दोस्तों, फिर कहीं विकेट भी चटका सकता है। बाकी दोस्तों लगातार अपडेट के लिए आपको टेलीग्राम चैनल पर आना होगा, हालांकि अभी ये फाइनल टीम दोस्तों हमारी नहीं, ना ही फाइनल अपडेट है, टॉस के बाद आपको फाइनल अपडेट दिया जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिए कमेंट सेक्शन और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल रहा है। चलिए मिलेंगे नई वीडियो में, जय हिंद जय भारत।